सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर फिर से मैं एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों आज फिर से मैं एक बार आप लोग के लिए लेके आया हूं एक नया वीडियो जो कि होने वाला है इस DJ Plus के 6 चैनल के मिक्सर के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई हमारे चैनल में नए होंगे हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए। तो दोस्तों सबसे पहले इसका डिजाइन आप लोग को दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया से। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें ब्लूटूथ का फीचर्स भी दिया हुआ है, डिजिटल प्लेयर लगा हुआ है और इसमें आप ब्लूटूथ से और मेमोरी कार्ड और USB तीनों चीज़ों से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। और इसका प्ले नेक्स्ट का सेंसर भी लगा हुआ है और बटन दिया हुआ है और देख सकते हैं डिस्प्ले आपको लगा हुआ है इसमें। दोस्तों इसके मॉडल की बात कर देख सकते हैं DM6U ऑडियो मिक्सर करके दिया है DJ Plus को और ये हेडफोन यूज करने के लिए दिया है। जैसे आप सिलाई प्रोग्राम यूज करते हैं तो उसको सेटिंग को सुन सकते हैं उसके हिसाब से। दोस्तों इसमें देख सकते हैं लेफ्ट और राइट भी है, इसमें आउटपुट के लिए दो चैनल्स हैं लेफ्ट और राइट और इसके ऊपर में ही इको का दिया हुआ है, देख सकते हैं इको मास्टर का। ये हो गया राइट का इको और ये लेफ्ट का और ये ऊपर का है फीडबैक के लिए दिया हुआ है डिले टाइम वाला। तो एक सीध में देख सकते हैं आप दोनों का है लेफ्ट राइट फेस। और जैसा कि देख सकते हैं काफ़ी डिजाइनदार इसको बनाया है, बहुत ही अच्छा है। मैं इसको यूज कर रहा हूँ, इसका रिस्पांस अच्छा ही मिल रहा है। देख सकते हैं दोस्तों ये 6 चैनल का मिक्सर है और इसमें अलग से अगर माइक चलाएंगे तो, और जैसे कि आप लोग इसमें जैसे मैं DJ चलाता हूँ तो इसको लाइन में करके चलाता हूँ, इसके लिए अलग से ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। दोस्तों इसमें आउटपुट की बात करें देख सकते हैं दो आउटपुट का इसमें दिया हुआ है लेफ्ट और राइट करके। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं एक ही चैनल में इसका पूरा डिटेलिंग बता देता हूँ क्योंकि सभी चैनल में सेम इसमें दिया है वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग गेन का है जो आप अपने हिसाब से इसमें आवाज़ एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बेस का दिया हुआ है और उसके नीचे में दिया हुआ है ट्रेबल का और ये आपको लेफ्ट राइट का हो गया पेन, ये देख सकते हैं अभी लेफ्ट में है। अगर हम इसको इधर घुमाते हैं तो फिर ये राइट में ऑपरेट हो जाएगा लेफ्ट राइट जैसे आपको बनाना है। इसके लिए ये इको के लिए हो गए और ये मेन वॉल्यूम हो गए। तो दोस्तों ये छोटा मिक्सर हिसाब में बहुत ही अच्छा इसमें सर्विस दिया हुआ है और इसमें एक चीज़ नहीं दिया है जैसे कई मिक्सरों में इसी में भी दिया रहता है मीट का ऑप्शन, मीट का नहीं है इसमें। लेकिन प्राइस के हिसाब में ये मिक्सर भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स इसका मिल रहा है, अभी तक कुछ परेशानी नहीं हुआ है, 3-4 साल हो गया। दोस्तों इसमें पीछे की बात करें जैसा कि देख सकते हैं इनपुट के लिए AC 220 वोल्टेज का है और ये रहा अर्थिंग के लिए दिया है क्योंकि अगर माइक वाला हम लोग यूज़ करते हैं लाइव प्रोग्राम में तो उसमें जो डिस्टर्बिंग के लिए साउंड उत्पन्न होता है उसको अर्थिंग देने से आप बंद कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस करता रहता है माइक वाले में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं इसका साउंड टेस्ट तो नहीं किया हूँ, इसका बस रिव्यू आपको दिखाने के लिए वीडियो बनाया था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ये वाला मिक्सर लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, ये 4-5 हज़ार के बीच में ही आपको मिल जाएगा। मैं 2-3 साल पहले लिया था तो ये 4-5 हज़ार के आसपास ही था। तो वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। तो जल्द ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तो बने रहिए हमारे चैनल में। धन्यवाद।